कहानी की शुरुआत एक यूनिवर्सिटी से होती है, जहां पर क्लासरूम के अंदर लौरा अपनी फ्रेंड लिविया से बात कर रही होती है। तभी यहां पर प्रोफेसर आते हैं, जो इन्हें बताते हैं कि इनकी एक क्लासमेट जिसका नाम मरीना था, उसने सुसाइड कर लिया है। साथ ही प्रोफेसर बताते हैं कि मरीना ने सुसाइड करते समय अपना एक वीडियो रिकॉर्ड किया था। फिर स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है, जहां पर हमें 2 हफ्ते पहले का समय दिखाया जाता है। यहां पर हम लौरा को देखते हैं, जो अपनी 2 फ्रेंड्स लिविया और इजाबेल के साथ रहती थी। लौरा एक सोशल मीडिया एक्टिव यूजर थी, जो हर समय सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी। यानी कि वो जहाँ कहीं भी जाती, वो अक्सर फोटोज खींचकर फेसबुक पर डाल दिया करती थी, और उसके बहुत से फ्रेंड भी थे। लौरा का एक टॉयलेट नाम का एक बॉयफ्रेंड भी था, जो उससे बहुत प्यार करता था। अगले दिन लौरा अपने कॉलेज में जाती है। फिर जब वो अपने सभी दोस्तों के साथ लंच कर रही होती है, तो उसे यहाँ एक और लड़की दिखाई देती है, जो कि काफी अजीब थी, और वो लौरा की तरफ ही देख रही थी। फिर हम लौरा के क्लास में देखते हैं, जहाँ पर वो अजीब लड़की भी होती है, जो उसे अब भी घूर रही थी। अब उसी रात लौरा जब अपना फेसबुक चला रही होती है, तो उसे मरीना नाम की एक लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, जिसके 0 फ्रेंड्स ही होते हैं। उसकी फोटोज को देखकर लौरा को पता चलता है कि मरीना वही लड़की है, जो उसे क्लासरूम में घूर रही थी। मरीना की फोटोज काफी यूनिक और क्रिएटिव थी, जिसे देखकर वो उसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। अगले दिन हम देखते हैं, जहां लौरा मरीना को बताती है कि उसके डैड एक साइकेट्रिस्ट हैं, जो कि उसकी मदद कर सकेंगे। दरअसल मरीना को साइकोटेलेनिया नाम की एक बीमारी थी, जिसके कारण वो अपने बालों को नोचने लगती है। अब रात में लौरा को एक नाइटमेयर आता है, जिसमें वो मरीना को देखकर काफी डर जाती है, और अचानक से उसकी नींद खुल जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग लौरा को मरीना का मैसेज मिलता है, जहां पर वो लौरा को उसके बर्थडे का रिमाइंड करवाती है, क्योंकि अगले दिन ही लौरा का बर्थडे होता है। इसके बाद लौरा फिर से जब मरीना के प्रोफाइल पर उसके पुराने पोस्ट को देखती है, तो वो देखती है कि मरीना ने अपने प्रोफाइल पर कुछ क्रीपी पोस्ट किए हैं, जो लौरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, जिससे उसे लगता है कि मरीना एक अच्छी लड़की नहीं है, इसलिए वो मरीना को अपने बर्थडे पार्टी में इनवाइट नहीं करना चाहती। अब लौरा मरीना से झूठ कहती है कि वो टॉयलेट के साथ रात को कहीं और जा रही है। फिर रात को लौरा अपने सभी फ्रेंड के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने चली जाती है, जिसके बाद लौरा वहाँ पर कुछ फोटोज भी क्लिक करती है और उसे फेसबुक पर अपलोड कर देती है, क्योंकि लौरा एक सोशली एक्टिव गर्ल थी। खैर, अब लौरा की पोस्ट देखकर मरीना को पूरा सच पता चल जाता है, जिससे वो लौरा से काफी नाराज हो जाती है। अगले दिन लौरा जब कॉलेज जाती है, तो क्लासरूम के अंदर मरीना लौरा पर काफी गुस्सा होती है और कहती है कि तुम एक धोखेबाज और झूठी लड़की हो, क्योंकि तुमने मुझे अपनी फ्रेंड माना ही नहीं। साथ ही मैंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी बनाया था, जिसमें मुझे 2 वीक्स लग गए थे, पर फिर भी तुमने मुझे पार्टी में इनवाइट नहीं किया। अब इसी झड़प में लौरा मरीना को धक्का दे देती है, जिससे उसके सिर पर लगा कैप नीचे गिर जाता है। अब ये सब देखकर सबको पता चलता है कि मरीना के सिर पर बाल ही नहीं है, जिससे मरीना काफी शर्मिंदा होती है और यहाँ से रोती हुई भाग जाती है। रात में मरीना लौरा को वीडियो कॉल करती है, पर लौरा उसकी कॉल को कट कर देती है। मरीना उससे सॉरी मांगते हुए कहती है कि वो उसे माफ कर दे, क्योंकि उसने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया था। लेकिन लौरा ये सब कुछ इग्नोर करते हुए मरीना को अनफ्रेंड कर देती है। उधर मरीना के फिर से 0 फ्रेंड हो जाते हैं। मरीना एकदम अकेली थी और उसके साथ कोई भी नहीं रहना चाहता था। इधर लौरा थोड़ी देर बाद जब पानी पीकर वापस अपने रूम में आती है, तो उसे यहाँ अपने रूम में एक ब्लैक मिरर दिखाई देता है। ये बिल्कुल वैसा ही मिरर होता है, जैसा कि मरीना के फेसबुक प्रोफाइल पर था। फिर जब लौरा मिरर में देखती है, तो उसके पीछे उसे एक घोस्ट नजर आता है, जिसे देख वो काफी डर जाती है। अब यहाँ पर इजाबेल आ जाती है, जो उस रूम के लाइट्स को ऑन कर देती है, जिससे वो मिरर पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। अब अगले दिन कहानी वहीं से शुरू होती है, जहाँ पर वो प्रोफेसर उन बच्चों को बता रहा होता है कि मरीना ने कल रात सुसाइड कर लिया है। अब क्लास खत्म होने के बाद लौरा और उसके बाकी फ्रेंड मरीना के डेथ के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। यहाँ कोवी बताता है कि पुलिस को मरीना के घर से उसकी डेड बॉडी नहीं मिली है, और इसमें से सबसे शॉकिंग बात ये थी कि पुलिस को ये भी नहीं पता चल पाता कि मरीना थी कौन, क्योंकि उसके सारे कॉन्टैक्ट और बाकी के डिटेल कॉलेज के डाटा से ऑटोमेटिक ही डिलीट हो गए थे। अब उसी रात लौरा को उसके फोन पर एक वीडियो आता है, जिसे ओपन करने पर लौरा देखती है कि मरीना लौरा की फोटो को जलाकर सुसाइड कर रही होती है। ये देखकर लौरा काफी ज्यादा डर जाती है। तभी वहाँ पर टॉयलेट आ जाता है, जो लौरा को वो वीडियो देखने से मना करता है। फिर ये उस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करते हैं, और काफी कोशिश करने के बाद भी ये वीडियो डिलीट नहीं हो रहा था। अब काफी परेशान होकर टॉयलेट उस लैपटॉप को ही बंद कर देता है। अगले दिन लौरा देखती है कि मरीना उसकी फ्रेंड लिस्ट में वापस आ जाती है, जिससे लौरा काफी परेशान हो जाती है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉप्स लौरा से मरीना के वीडियो को लेकर पूछताछ कर रहे होते हैं। यहाँ ऑफिसर उसे अपना प्रोफाइल डिलीट करने के लिए कहता है, पर लौरा अपनी आईडी को डिलीट नहीं कर पाती। अब हेल्प के लिए लौरा अपने फ्रेंड कोवे के पास जाती है, क्योंकि कोवे एक कंप्यूटर प्रोग्रामर था। यहाँ जब कोवे मरीना की प्रोफाइल चेक करता है, तो वो एकदम से शॉक हो जाता है, क्योंकि मरीना का प्रोफाइल किसी अननोन पावर के कारण
चल रहा था और उसकी कोडिंग बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी। अब नेक्स्ट सीन में हम बुस्तागो को देखते हैं जो कि अपने लैपटॉप पर वर्क कर रहा होता है, तभी अचानक से उसका लैपटॉप बंद हो जाता है। इसी बीच वहाँ की सभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। फिर वो अपने फोन की लाइट से रूम की तरफ जाने लगता है, लेकिन वहाँ उसे दो क्रीपी फेस दिखाई देते हैं जिसे देख वो काफी डर जाता है और वहाँ से भागता हुआ लिफ्ट में चढ़ जाता है। इसके बाद जब इजाबेल बुस्तागो के अपार्टमेंट में जाती है तो वो देखती है कि बुस्तागो अपने सिर को लिफ्ट पर पटक कर सुसाइड कर लेता है। ये देखकर इजाबेल जोर जोर से चिल्लाने लगती है। बुस्तागो की डेथ से उसके सारे फ्रेंड दुखी हो जाते हैं और इजाबेल इतनी ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाती है कि उसे हॉस्पिटल एडमिट करना पड़ता है। इसके बाद लौरा जब अपनी प्रोफाइल ओपन करती है तो वो देखती है कि किसी ने उसके फेसबुक पर बुस्तागो की सुसाइड वीडियो अपलोड की है। लौरा उस वीडियो को डिलीट करने की कोशिश करती है लेकिन वो वीडियो डिलीट नहीं होता। लौरा के सभी फेसबुक फ्रेंड्स को लग रहा था कि लौरा ही ये सब कर रही है। अब लौरा सभी को सच्चाई बताने के लिए एक टेक्स्ट मैसेज लिखती है कि उसने ये मर्डर नहीं किया है, पर वो मैसेज डायरेक्टली चेंज हो जाता है जिसमें लिखा होता है कि तुम सब ये वीडियो देखकर कैसे फील कर रहे हो। लौरा के अकाउंट पर ये वीडियो अपलोड होने की वजह से उसे कॉलेज से भी सस्पेंड कर दिया जाता है। जिसके बाद लौरा कोबे के पास जाती है जहां उसे पता चलता है कि बुस्तागो की डेथ से पहले मरीना ने उसे फेसबुक फ्रेंड बनाया था। कोबे यह भी बताता है कि मरीना एक नॉर्मल लड़की नहीं है बल्कि वो एक विच है, क्योंकि मरीना के प्रोफाइल पर बहुत सारी ब्लैक बी की पिक्चर थी जो सिर्फ विच के साथ ही रहा करती हैं। इसके बाद लौरा मरीना के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन लेने के लिए मरीना के पुराने वाले स्कूल जाती है, जहां पहुंचकर वो मरीना के बारे में इन्फॉर्मेशन लेने लगती है। अब यहां लौरा को पता चलता है कि मरीना का रियल नाम मरीना नेडफिल है जो बचपन से अकेली रहा करती थी। वो अपने लैपटॉप को कई घंटों तक यूज किया करती थी जबकि उस लैपटॉप के स्क्रीन पर कुछ भी नहीं होता था। अकेले रहने के कारण वो इंटरनेट पर कुछ ऐसे डार्क वेब चलाना सीख गई थी जहां से वो ये सब ब्लैक मैजिक करना सीखी थी। उधर कोबे जब मरीना की प्रोफाइल को चेक कर रहा होता है तभी अचानक से वहां की सभी स्क्रीन पर मरीना आ जाती है और रूम की सभी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। ये देखकर कोबे बहुत ज्यादा डर जाता है। कुछ देर बाद वहां क्लीनर आता है जो लाइट्स को ऑन कर देता है, जिसके बाद यहां सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ टायलर जब मरीना की प्रोफाइल देख रहा था तभी अचानक से उसे काफी जोर की आवाज सुनाई देती है। फिर जब वो अपनी कान में पिन डालता है तो उसमें से एक ब्लैक भी निकलती है, यानी कि ये ब्लैक भी मरीना ने भेजा हुआ था क्योंकि वो भी चाहती थी कि कोई उसका फेसबुक प्रोफाइल चेक करे। उधर ओलिविया देखती है कि इजाबेल मरीना की फ्रेंड बन गई है, जिसके बाद इजाबेल को हॉस्पिटल में एक जली हुई डेड बॉडी दिखाई देती है जो कि प्रेग्नेंट होती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है और यहां से भागते हुए दूसरे रूम में चली जाती है। इजाबेल जब बाहर आती है तो उसे क्रीपी फेस वाले दो बच्चे दिखाई देते हैं, जिसे देख इजाबेल वहां से फिर भागती है और फाइनली वो हॉस्पिटल के एक दूसरे रूम में पहुंच जाती है। पर तभी मरीना उसे पजेस कर लेती है जिससे इजाबेल अपना गला काटकर सुसाइड कर लेती है। लौरा एक बार फिर काफी दुखी हो जाती है क्योंकि कहीं न कहीं वो समझ गई थी कि ये सब मरीना ही कर रही है। अब लौरा के अकाउंट पर इजाबेल का भी वीडियो अपलोड हो जाता है जिससे लौरा के फ्रेंड्स और भी कम हो जाते हैं। यहाँ ओलिविया टायलर और कोबी सभी अपना प्रोफाइल डिलीट करने लगते हैं पर बार बार अननोन एरर आ जाता है। इसके बाद लौरा टायलर को मरीना की पूरी डिटेल बताती है, जिसके बाद टायलर हॉस्पिटल जाकर उसकी बर्थ रिपोर्ट निकालता है। वहीं दूसरी तरफ कोबी मरीना के बारे में इन्फॉर्मेशन ले चुका होता है। वो लौरा को बताता है कि मरीना ने सुसाइड नहीं किया है बल्कि वो एक रिचुअल था जिसमें अगर कोई इंसान ब्लैक मिरर के सामने खुद को हैंग करके जला ले तो वो एक इविल बन सकता है, फिर वो जिसे भी चाहे उसे पजेस करके उसे मार सकता है और मरीना ने भी यही किया था और अब वो इविल बन चुकी है और किसी को भी पजेस करके मार सकती है। अब कोबी बताता है कि मरीना को ऐसा करने से रोकने के लिए उसे वहीं ब्लैक मिरर के सामने डिस्ट्रॉय करना होगा। अब ओलिविया उससे बताती है कि वो यहां से अपने घर वापस जाना चाहती है क्योंकि वो ये सब हैंडल नहीं कर सकती। लौरा उसे रोकने की काफी कोशिश करती है पर वो लौरा की बात नहीं मानती। इसके बाद हम देखते हैं कि लौरा के फ्रेंड अब और भी कम हो चुके थे। फिर लौरा के पास मैसेज आता है कि ओलिविया मरीना की फ्रेंड बन गई है। ये देखते ही टायलर और लौरा दोनों ओलिविया की जान बचाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन जैसे ही ये दोनों वहां पहुंचते हैं तभी ओलिविया ऊपर से इनके कार पे आकर गिर जाती है। ये दोनों उसे फौरन हॉस्पिटल पहुंचाते हैं। अब टायलर हॉस्पिटल में रुक जाता है और लौरा कोबे के साथ मरीना के उस हाउस की तरफ निकल जाती है ताकि वो उस ब्लैक मिरर को फाइंड कर सके। उधर हॉस्पिटल में मरीना ओलिविया को पजेस कर लेती है जिससे ओलिविया बेड पर से उठ जाती है और गन लेकर खुद को शूट कर लेती है। ये देखकर वहां का पुलिस ऑफिसर एकदम से शॉक हो जाता है। इधर लौरा और कोबी उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां कोबी को मैसेज आता है कि अब मरीना उसकी फ्रेंड बन चुकी है, जिसे देख वो समझ जाता है कि अब मरने की बारी उसकी ही है, इसलिए वो डर के कारण फोन को फेंक देता है। तभी अंदर कोबी को क्रीपी फेस वाली लेडी दिखाई देती है जिसका फेस जला हुआ था। दरअसल ये लेडी मरीना की मदर है जो कुछ समय पहले आग में जलकर मर चुकी थी। तभी वहां पर लौरा आ जाती है, जिसके बाद वो क्रीपी फेस वाली लेडी यहां से गायब
गायब हो जाती है। फिर ये दोनों उस जगह से बेसमेंट में जाकर उस ब्लैक मिरर को चेक करते हैं, पर वहाँ पर भी इन्हें वो मिरर दिखाई नहीं देता। अब कोवी लॉरा से कहता है कि मरीना मुझे अकेला करना चाहती है, और अगर तुम मर जाओगी तब वो तुम्हें अकेला नहीं कर पाएगी। और ऐसा कहकर कोवी लॉरा के पेट में नाइफ स्टैब कर देता है। फिर लॉरा उसे धक्का देकर वहाँ से जान बचाकर भागने लगती है, जिसके पीछे कोवी भी भाग रहा होता है। लेकिन तभी लॉरा उससे बचकर आगे निकल जाती है। आगे जाने पर लॉरा को एक फैक्ट्री दिखाई देती है जो एकदम मरीने के बनाए गए स्केच की तरह थी। लॉरा एक गाड़ी से लिफ्ट लेकर उस फैक्ट्री की तरफ जाने लगती है। यहाँ पर लॉरा की हालत काफी खराब हो चुकी थी, पर वो अभी भी हॉस्पिटल नहीं जाती। उधर टायलट लॉरा को ढूंढते हुए यहाँ आ रहा होता है। टायलट कोवी से लॉरा के बारे में पूछता है, जिस पर कोवी उसे बताता है कि उसे लॉरा के बारे में कुछ भी नहीं पता। यहाँ कोवी ये बात छिपा कर रखता है कि उसने लॉरा के पेट पर चाकू से स्टैब किया है। तभी टायलट को लॉरा का कॉल आता है जो उसे बताती है कि वो अभी उसी फैक्ट्री में है, और साथ ही वो टायलट को भी वहीं बुलाती है। इधर जब लॉरा उस फैक्ट्री पर पहुंच जाती है तो उसके कुछ देर बाद ये दोनों भी वहां पर पहुंच जाते हैं। यहां कोवी कहता है कि फैक्ट्री में मत जाओ क्योंकि हम सब लॉरा की वजह से मारे जा रहे हैं, पर टायलट उसकी बात को इग्नोर करके फैक्ट्री में जाने लगता है। वहीं लॉरा उस फैक्ट्री के अंदर उस ब्लैक मिरर को फाइंड करने लगती है। इसी बीच लॉरा को उसकी मॉम का वीडियो कॉल आता है, जहां पर उसकी मॉम काफी डरी हुई दिख रही थी। वो लॉरा से कहती है कि उसे मरीने के मरे हुए विजन दिखाई दे रहे हैं। फिर अचानक से वो अपने बालों को खींचने लगती है और एक नाइफ लेकर दूसरे रूम में चली जाती है, जहां पर वो खुद को मार लेती है। लॉरा ये सब देखकर काफी ज्यादा दुखी होती है और इमोशनल होकर रोने लगती है क्योंकि मरीना ने उसकी मॉम को मार दिया। फिर टायलट भी यहां आ जाता है, जिसकी आवाज सुनकर लॉरा भी उसके पास आ जाती है। लॉरा उसे अपनी मॉम के बारे में बता ही रही होती है कि तभी कोवी पीछे से टायलट के गर्दन में चाकू से स्टैब करके उसे मार देता है। अब लॉरा अपनी जान बचाकर वहां से अंदर फैक्ट्री की तरफ भागती है और कोवी उसका पीछा कर रहा होता है। अब आगे बहुत ज्यादा अंधेरा होता है, जिसके कारण लॉरा यहीं पर रुक जाती है, पर फिर भी कोवी लॉरा की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन इसी बीच बहुत सारी ब्लैक भी कोवी को काटने लगती है, जिसके कारण वो वहीं पर मर जाता है। अब अपने सभी फ्रेंड्स की डेथ को देखकर लॉरा अंदर से काफी ज्यादा टूट चुकी थी, इसलिए वो वहीं पर जोर जोर से चिल्लाती है कि तुम्हें क्या चाहिए और तुमने मेरे सभी फ्रेंड्स को क्यों मारा। ये सुनकर मरीना अपने चाइल्ड फॉर्म में आकर उसे ब्लैक मिरर की तरफ ले जाती है। लॉरा जैसे उस मिरर में देखती है, तभी वहां पर मरीना आकर उससे भी एक विच बना देती है। फिर ये सीन यहीं पर शिफ्ट होता है। अगले सीन में हम उसी यूनिवर्सिटी को देखते हैं, जहां कैंटीन में एक लड़की अपने फ्रेंड्स के साथ लंच कर रही होती है। यहीं पर एक अजीब लड़की उसे घूर रही थी, और ये अजीब लड़की कोई और नहीं बल्कि लॉरा ही थी, जो कि अब मरीना की तरह ही एक विच बन गई थी। फिर हम लॉरा के प्रोफाइल को देखते हैं, जहां उसके 0 फ्रेंड्स होते हैं, सेम मरीना की तरह, क्योंकि मरीना यही चाहती थी कि लॉरा भी उसकी तरह अकेली रहे। और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।